Hello dear students of class 11th, once again I welcome you all in this online session of classes. As we all know that we have started chapter number 11, conic sections, and in the previous video we have discussed that we are going to study four conic sections in this chapter, that is circles, parabola, ellipse and hyperbola. Till the last lecture we have concluded or winded up exercise 11.1, which was based upon the very first conic section, that was circles. So now we have to start exercise 11.2, and which is based upon the second conic section, that is parabola, P-A-R-A-B-O-L-A, parabola. And here this para means for and bola means throwing. That is just the practical, all this practical and the informative notes are given in your book also before this exercise 11.2. What main things or what main points or what basic things which will be useful in this exercise or which are to be noted down in your notebook. The points which you have to note down regarding this parabola in your notebook, I am going to write down here on the board. So students, basically we can classify this parabola or we can differentiate this parabola into four categories. We can divide this parabola into four categories. That means that it is not like that parabola is of four types. ऐसा नहीं है. हम इस parabola को अलग-अलग तरह से study करते हैं. कैसे? सबसे पहले इसमें देखिए, अगर आपको मैंने चार figures diagram के through show किया गया. अभी हम इनको कैसे बोलेंगे? तो देखिए, हम लोगों ने सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. वैसे पैराबोला की भी क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है. लेकिन जैसे मैंने चार अलग अलग पैराबोला बनाए हुए तो चारों के अलग अलग स्टैंडर्ड इक्वेशन है. तो वही सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन. अब देखिए, नाउ सिंस आई एम राइटिंग डाउन द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला. फर्स्ट वन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. सिंस हेडिंग्स आर सेम, हेडिंग में बार बार नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ ये फर्स्ट के लिए हेडिंग है तो सबके लिए सेम हेडिंग है. सेकेंड के लिए इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इसके लिए क्वेश्चन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay. अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन भी आपके सामने है और फिगर डायग्राम भी आपके सामने है. देखिए स्टूडेंट्स, जी मैंने पैराबोलास बनाए हैं, लेट मी आपको एक बना के दिखा देता हूं. देखिए स्टूडेंट्स, पैराबोला कैसे बनता है, किसी एक एक्सिस के अबाउट बनता है. एक्सिस यहां पे दो है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. लेकिन x एक्सिस के भी दो पार्ट्स हैं, एक पॉजिटिव x एक्सिस, एक नेगेटिव x एक्सिस. y अबव द ओरिजिन पॉजिटिव y एक्सिस और बिलो द ओरिजिन नेगेटिव y एक्सिस. तो इन चारों एक्सिस के अराउंड अबाउट ये पैराबोला बनता है. सबसे पहला जो पैराबोला है वो है पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट. दैट मीन्स ये है पॉजिटिव x एक्सिस आपका, इसके अंदर आपने अबाउट बनाना, तो कैसे बनाएंगे, राउंड अबाउट. अबाउट का मतलब है राउंड अबाउट. इसके चारों तरफ से आप लोगों ने क्या बनाना है, पैराबोला बनाना है. ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे बनता है वो आपकी बुक में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी, यू कैन गो थ्रू दैट. अब मान लीजिए नेगेटिव वाई एक्सिस एग्जांपल, जैसे ये है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस के नियर अबाउट, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस, जिसका वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन पे. सो जो सारे पैराबोला मैंने बनाए इनका ओरिजिन, सॉरी वर्टेक्स, वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर पॉइंट. तो ये कॉर्नर पॉइंट कहां आ रहा है, ओरिजिन पर. ठीक है, तो जो सारे पैराबोलास हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे, दे आर हैविंग देयर वर्टेक्स एट ओरिजिन. सो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मींस ये वो पैराबोला है जिस किसके राउंड अबाउट है, पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट. क्या बोलते हैं, पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस. ये इक्वेशन है. अब आप लोगों को स्टूडेंट्स कैसे ध्यान रखना वो ही बता देता हूं. देखिए चारों इक्वेशंस में एक्स का वेरिएबल भी और वाई का वेरिएबल भी है. अगर आप ध्यान से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, फिगर देखो और इक्वेशन देखो, सिर्फ देखिए, एक या तो एक्स की पावर या फिर वाई की पावर, एक तो एक, किसी वेरिएबल की पावर वन है और दूसरे की वेरिएबल की पावर टू है. यहां पर एक्स की पावर वन है, वाई की पावर टू है, यहां पर भी सेम ऐसा ही है. लेकिन यहां अपोजिट है, वाई की पावर वन और एक्स की पावर टू है. तो कभी आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जहां पे एक वेरिएबल की पावर डबल है, मीन्स टू है, और एक वेरिएबल की पावर सिंगल वन है, तो वो कौन सी इक्वेशन हो जाती है, पैराबोला की इक्वेशन. किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन. सेकंड, अभी किसके राउंड अबाउट कैसे पता चलेगा, सुन देखें,
जिसकी जो लीनियर टर्म है, दैट मीन जिसकी पावर वन है. लीनियर टर्म मतलब वो वेरिएबल जिसकी पावर वन है, एक्स की पावर वन है. एक्स की पावर वन यहां पर भी है, लेकिन एक्स का नेचर कैसा है? नेगेटिव. तो मींस नेगेटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल अबाउट. यहाँ पे किसकी पावर वन है? वाई की. सो मींस सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्सिस. यहाँ पे किसकी पावर वन है? वाई की तो है, लेकिन वाई की टर्म कैसी है? नेगेटिव है. तो दैट मींस नेगेटिव वाई एक्सिस सिमेट्रिकल अबाउट. ठीक है ना. तो जो नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड करनी है वो सबसे उसके बाद है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस. उसके बाद है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस हम लोग स्टडी करेंगे. इनके कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या क्या है? अब देखिए सर, फोकस यहां पे मैंने आपको पॉइंट शो कर रखे हैं. ये है पॉइंट ऑफ या फिर फोकस पॉइंट. ठीक है, पॉइंट ऑफ फोकस भी आप लोग कह सकते हैं. तो इन फोकस के आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो हम लोग इस पॉइंट को ये कितने डिस्टेंस की दूरी पर है ओरिजिन से, हम उसको ए अज्यूम करते हैं. तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ए कॉमा जीरो. क्योंकि हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है. तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो डिस्टेंस सेम ए फ्रॉम द ओरिजिन. तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो. यहां पे फोकस कौन से एक्सिस पे आ रहा है? वाई एक्सिस पे. तो ये हो जाएगा आपके पास 0, a. इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, माइनस, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा है. तो लिख दीजिए क्या क्या है आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस. इसका है a, 0, इसका है माइनस a, 0, इसका हो जाएगा 0, a, और इसका हो जाएगा 0, माइनस. ऊपर फिगर से आप लोग देख सकते हैं अच्छे से. नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों ने फाइंड करनी है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला. कि पैराबोला के एक्सिस क्या है? So, मैंने पहले बताया कौन से एक्सिस के अबाउट है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये किसके नियर अबाउट, किसके राउंड अबाउट है, सिमेट्रिकल है? नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो नेगेटिव एक्स एक्सिस. ये किसके अबाउट है? पॉजिटिव वाई एक्सिस. ये किसके नियर अबाउट है? सिमेट्रिकल है, नेगेटिव वाई एक्सिस. सो ये आपके क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला. सिर्फ हेडिंग्स आप लोग अगर यहां पे अलग अलग चाहें तो लिख सकते हैं. ठीक है, नहीं तो आप सिंपल डैशेस लगा के मीन फर्स्ट हेडिंग स्टैंडर्ड इक्वेशंस ये हैं, फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस है, फिर एक्सिस ऑफ पैराबोला है. इसके बाद देखते हैं क्या हेडिंग है. उसके बाद हमारे पास हेडिंग है वो है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. क्या? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. अब देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को बाद में निकालेंगे, पहले ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स है क्या चीज. देखिए फ्रेंड्स, इसका जो फोकस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है फर्स्ट वाले का. डायरेक्ट्रिक्स एक वो लाइन है. देखिए इस पॉइंट का फोकस का और जैसे कितना डिस्टेंस है? ए यूनिट्स. अगर मान लीजिए फ्रेंड्स ये पॉइंट होता 2, 0, तो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस का कितना डिस्टेंस है? 2 यूनिट्स. तो यहां पे कितना यूनिट्स है? ए यूनिट. तो अभी इस ए को आपने अपोजिट एक्सिस पे मींस नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आप लोगों ने इतना डिस्टेंस ले लेना है. ठीक है, डिस्टेंस ये यूनिट्स कितना हो जाएगा? ए. ठीक है, लेकिन पॉइंट क्या हो जाएगा? माइनस ए कॉमा जीरो. ठीक है, तो इस ए पॉइंट पर आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है ना, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. ये लाइन क्या कहलाती है? डायरेक्ट्रिक्स. ये लाइन कैसे बनी है ये भी आपको बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. यू हैव टू जस्ट रीड आउट दैट आर्टिकल. ऑलराइट, एंड आई लेट मी टेल यू दैट आर्टिकल इज इन द एनसीईआरटी बुक ऑन पेज नंबर 242. सबसे पहली आर्टिकल आपको गिवन है 11.2 पैराबोला, उसमें आप ये सब डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. तो ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स इज इक्वल टू माइनस ए. सिंस आप लोगों ने ये पढ़ा है अपने 9th क्लास में कि जो भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू ए. लेकिन यहां पे क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए. अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर आता तो एक्स इज इक्वल टू ए, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए. फिर यहां पे क्या हो जाएगा?
देखिए यहाँ नेगेटिव एक्सिस पे है, अपोजिट में इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू ए। यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर फोकस आ रहा है तो नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर डायरेक्ट्रिक्स की लाइन बनेगी लेकिन यहां पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो दिस इज वाई इज इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस ए है। और यहां पे इधर एक पॉइंट, जितना ये डी यूनिट है उतना ही सेम यूनिट वाई इज इक्वल टू ए। तो ये इक्वेशन हो जाएंगे आपके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, इसके लिए एक्स इज इक्वल टू ए है, वाई इज इक्वल टू माइनस ए एंड द लास्ट वाई इज इक्वल टू ए। दीज आर द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस फोर पैराबोलास। एंड लास्टली वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट एल ए टी यू एस नॉट लोटस, लेटेस्ट रेक्टम आर ई सी टी यू एम, लेटेस्ट रेक्टम। नाउ व्हाट इज द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम क्या है स्टूडेंट्स, जो पॉइंट फोकस है, फोकस को आप लोगों ने एंड्स ऑफ पैराबोला से ज्वाइन कर देना यूजिंग स्ट्रेट लाइन। इस फोकस पॉइंट को आप लोगों ने एंड्स ऑफ मीन्स एंड पॉइंट, देखिए जो सारे ये जो पॉइंट जिनके थ्रू पैराबोला पास हो रहा है, ये सारे पॉइंट जो पैराबोला की लाइन के ऊपर आ रहे हैं, उसके आर्क के ऊपर आ रहे हैं या फिर उसके सर्कमफेरेंस भी आप बोल सकते हैं, जो उसकी लेंथ के ऊपर आ रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स में से, उन एंड पॉइंट्स में से आप लोगों ने करना है स्ट्रेट लाइन, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फोकस को ज्वाइन करना है। तो कैसे बनेगा, ये लाइन एक बनेगी आपके पास, यू हैव टू मेक अ स्ट्रेट लाइन, दिस लाइन इज नोन एज लेंथ ऑफ, सॉरी लेटेस्ट रेक्टम हेयर, दिस लाइन इज लेटेस्ट रेक्टम हेयर, दिस लाइन इज लेटेस्ट रेक्टम एंड हेयर, दिस लाइन इज लेटेस्ट रेक्टम। सो देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स को हम एक ये भी कहते हैं कि अलाइन पैरेलल टू लेटेस्ट रेक्टम, या फिर लेटेस्ट रेक्टम कहें तो अलाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। दो ये पैरेलल लाइंस हैं, फोकस के थ्रू कौन सी लाइन बनती है, लेटेस्ट रेक्टम, और अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स। सो अब इसकी लेंथ निकालनी है स्टूडेंट्स, देखिए इस लेंथ को निकालने के लिए स्टूडेंट्स प्रॉपर बुक में कैलकुलेशंस की गई है, ठीक है। तो वो लेंथ कहां से आई है, ठीक है, वो आपके पास अभी एनसीईआरटी में प्रूफ नहीं है, मीन सिलेबस में प्रूफ नहीं है, बुक में तो बता रखे, लेकिन अभी यहां पे आपको इस कोर्स सब इस क्लास में और इस सब्जेक्ट चैप्टर में उसको डिटेल में बताने की हमें जरूरत नहीं है और ना ही आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है, कोई प्रूफ भी सिलेबस में नहीं है। ये लेंथ कितनी है सर, देखें अगर आप इस पैराबोला को स्टडी करेंगे कैसे इसके पॉइंट सारे आए हैं, सर देखें अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है ए, अगर मैं यहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट स्टडी करूं तो वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे ए का डबल है। ये हर एक पॉइंट स्टूडेंट्स जिन पॉइंट से पैराबोला पास हो रहा है वो क्या है, वो सारे पॉइंट्स हैं जिन पे एक्स यूनिट का डबल है, जितना एक्स की यूनिट है उतनी इसका वाई की क्या हो, डबल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स की यूनिट ए है तो वाई की यूनिट क्या हो जाएगी, डबल, दैट इज टू ए। तो अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स ये पॉइंट, तो मतलब कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक ऑरिजिन से ऊपर, ठीक है ना, एक्स एक्सिस से ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन है। देखिए स्ट्रेट लाइन क्या है, इस लाइन की लेंथ जितनी ओरिजिन से अबव है उतनी ओरिजिन से डाउन है, तो अगर ओरिजिन से ऊपर 2a है तो ओरिजिन के नीचे भी क्या हो जाएगी 2a, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2a प्लस 2a 4a, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 4a। सिंस यहां पे लेंथ सबकी सेम रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, लेंथ इज सेम 4a 4a एंड 4a, लेंथ सबकी सेम रहेगी 4a 4a एंड फोर है। तो ये आपके पास क्या है सारे ये प्रॉपर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टेबल अच्छे से पेंसिल के साथ यूजिंग पेंसिल एंड रूलर स्केल, यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल वेरी नाइसली इन योर फेयर नोटबुक्स, बिकॉज दिस पॉइंट्स आर नॉट गिवन डायरेक्टली इन योर बुक। ये टेबल करके आपका बुक में डायरेक्टली शो नहीं किया हुआ है, ये पूरा डाटा थ्योरी की फॉर्म में लिखा हुआ है, वहां से इसको मैंने आपको वेरी क्लियरली एक टेबुलर फॉर्म में शो किया है। फिर अच्छे से आप लोगों ने इसी टाइप से यूजिंग स्केल एंड पेंसिल एंड विद पेन you have to write down this whole data in the tabular form in your FAIR notebooks, because this data will be very useful in doing the questions. So you can note it down. Now students, I am erasing
Let me write down only this one over here. Remaining things I am going to erase, but you have to note down. Let us start exercise 11.2. Exercise 11.2 says, in each of the following questions, 1 to 6, find the coordinates of the focus, axis of parabola, and equation of directions, and lastly, the length of the latest rectum. पहले 6 questions में जो blue ink से आपको 1, 2, 3, 4 serial number लिखा हुआ है, और 6 questions में आप लोगों ने ये चार चीजें find करनी है, ये सब कुछ, coordinates of focus, axis of parabola, equation of directrix, and lastly, length of latest rectum. लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये नहीं बताया गया कि कौन सा पैराबोला है, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे. लेट अस डू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का. एक्सरसाइज 11.2, एक्सरसाइज 11.2 दैट इज बेस्ड अपॉन पैराबोला. फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x. स्टूडेंट देखिए, अगर आप सारे फर्स्ट 6 क्वेश्चन को देखें तो मेरे ख्याल से मैं सोच रहा हूं कि आपको देख के ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सी इक्वेशन है. देखिए सिर्फ कंपेयर करना है. जनरल इक्वेशन ध्यान रखिए क्या है, y square is equal to 4x, y square is equal to minus 4x, x square is equal to 4ay, x square is equal to minus 4ay. साफ पता चल रहा है y square is equal to 4a की जगह 12 लिखो है, बाकी y square is equal to 4x. साफ पता चल रहा है कि वही वाली इक्वेशन है. अगर यहाँ पे माइनस होता, साफ अगर मैं देखूं थर्ड इन द थर्ड क्वेश्चन में क्या है, y square is equal to minus 8x, तो वो कौन सी है, सेकंड टाइप की इक्वेशन है. फिर अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, x square is equals to 6y, तो वो आपकी थर्ड टाइप की पैराबोला है. कौन सा, x square is equals to 4ay. और इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4th आल्सो, x square is equals to -16y, तो वो फोर्थ नंबर का पैराबोला है, x square is equals to -4ay. सिर्फ कंपेयर, सिर्फ देखने से ही इक्वेशन साफ पता चल रही है. तो आप लोग लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन is of the form y square is equals to 4x. ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो कौन सी फॉर्म है, y square is equals to 4x. सो दैट इज पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट. अगर ऐसा होता तो कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इज सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस. ठीक है, सिर्फ देखिए अगर आपको ये सारी चीजें निकालनी है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का पैराबोला है. सिमेट्रिकल कैसे डिफर करेंगे, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्सिस एंड सिमेट्रिकल अबाउट नेगेटिव एक्सिस. तो मैंने लिख दिया कि सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये फर्स्ट टाइप का पैराबोला है. सो सबसे पहले क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस. नंबर 1 यू कैन राइट डाउन कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस. बिफोर दैट सॉरी वन वेरी बेसिक थिंग आई फॉरगॉट. उससे पहले सिर्फ पहले हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सर अगर आप कंपेयर करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2. यू कैन राइट ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कंपेयर कीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12. 4a इज इक्वल टू 12, और यहां से a की वैल्यू हो जाएगी 12/4 दैट इज 3. 4 को 12 के अपॉन में ले जाइए, दैट इज 12/4 दैट इज 3. a की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है, तो फाइंड कीजिए. हां जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस. क्या था, a कॉमा 0 लिखना पड़ेगा आपको, a कॉमा 0 एंड दैट इज a की वैल्यू क्या है, 3. सो 3,0. नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला. एक्सिस ऑफ पैराबोला तो वो क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. थर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो क्या है स्टूडेंट्स, एक्स इज इक्वल टू -8. यहां पे इक्वल टू मत पुट करना तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग. x इज इक्वल टू -8,
माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3, सो ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ पैराबोला। आंसर्स को फ्रेंड्स ऐसे बॉक्स में आप बंद कर सकते हैं। एंड लास्टली लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो कितना है 4a, सो 4 इंटू a कितना है 3, कितना हो जाएगा 12, सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके पास हो जाएगा 12 यूनिट्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.2। तो ये आपका क्या है आंसर है ऑफ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.2। जी हाँ, सो फ्रेंड्स टुडे वी हैव डन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पैराबोला एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, रिमेनिंग क्वेश्चन ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बट नाउ विल स्टॉप हेयर ओनली, इवन यू कैन ट्राई ऑन योर ओन टिल द नेक्स्ट वीडियो अपलोड। सो टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।